हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ जॉब पे, वर्क पे, क्योंकि अब आज मेरी इवनिंग शिफ्ट है। तो रेडी हो चुकी हूँ मैं बस बालों में। मुझे आज ड्राई शैम्पू अप्लाई करना है, पहली बार मैं अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आजकल मैंने देखा बहुत सारी वीडियोज़ में, यूट्यूब में ये बहुत चल रहा है, ड्राई शैम्पू लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। बट मैंने ये यहीं पर आके देखा है लोगों को, यहाँ के लोग तो आई थिंक यूज़ करते हैं। तो वही, तो पहली बार मैं करूँगी यूज़। अगर अच्छा लगा तो आपको रिव्यू दूंगी या इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर। तो वही मैं जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ अपने बालों में, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, मेरी 1 बजे से शिफ्ट है, तो मुझे निकलना भी है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं आपको इतना बता नहीं पाऊंगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इसके बारे में, बस आप ऐसे क्लिप में देख लेना। तो ठीक है, करते हैं फिर ये। तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में था कॉफ़ी, चॉकलेट क्रोसॉ और नमक पारे। तो जल्दी से मैं खा लेती हूँ, आगे मिलती हूँ आपसे। तो ये है वो शैम्पू, ड्राई शैम्पू, जिसे जर्मन में कहते हैं ट्रॉकना शैम्पू। और ये बेलिया एक प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे डीएम में मिलता है। डीएम यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे एसेंशियल आपको मिल जाते हैं। तो ये मैंने वहाँ से खरीदा है। तो वही अब इसको अप्लाई करते हैं। तो चलो। तो गाइस देखो, मैं ड्राई शैम्पू को अप्लाई कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो मेरे बाल कितने कितने वॉल्यूमिनस लग रहे हैं, मतलब एकदम वॉल्यूम आ गया बालों में, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, तो आप देख सकते हो। एंड अब मैं जा रही हूँ शिफ्ट पे, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। एग्जैक्टली 12:30 से आई थिंक 5 मिनट आगे ही हो गए हैं। हाँ, 12:35 होने वाला है, मेरी 1 बजे से शिफ्ट है। तो मैं अभी जूते वूते पहन लेती हूँ, फिर मेरे को जाना है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो। एंड गाइज, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैंने ये पहली बार यूज़ किया, तो मेरे को आपको बताना था कि हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको कभी बाल धोने का मन नहीं है, या फिर ऐसा कभी होता है ना आपके लंबे बाल, जैसे मेरे लंबे बाल, तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं रोज़ बाल नहीं धो सकती क्योंकि सूखने में टाइम लगता है। तो इसीलिए कभी कभी आप ड्राई शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो अपने बालों के लिए, तो आपको थोड़ा फ्रेश फील हो और बालों में भी शाइन आ जाए, थोड़े अच्छे लगे बाल आपके। तो वही, तो ठीक है, बने रहो इस व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। तो मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो उसकी भी क्लिप मैं डाल दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो ठीक है, फिर बने रहो और आगे मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल में। मैंने ड्रेस पहन ली है अपनी, हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहन ली है। तो अब मैं जाऊँगी काम पे। तो ठीक है, आगे मिलते हैं। गाइज़, मैं घर आ चुकी हूँ अपनी शिफ्ट से। और मैंने आने के टाइम पे ना फ्रेंच फ्राइज़ ले लिया था, क्योंकि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने का आज मन कर रहा था। तो फ्रेंच फ्राइज़ को जर्मन में कहते हैं पॉमेस। और वही, बहुत ज़ोरों से भी भूख लग रही है। और शिफ्ट में ना मैं वीडियो नहीं ले पाई, बिकॉज मेरे को बहुत सारा काम होता है जब भी मैं शिफ्ट पर होती हूँ। और हॉस्पिटल में आपको पता ही है, फ़ोन पे लगी रहूँगी तो काम कैसे करूँगी। तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई शिफ्ट पे। और मैंने ब्रेक में खा लिए थे, फ्रूट्स लेके गई थी मैं। तो वही, तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो चलो फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं अभी पहले। तो ये थी वो शॉप जहाँ से मैंने लिए थे फ्रेंच फ्राइज़। ये एक टर्किश शॉप है और फ्रेंच फ्राइज ऐसे थे। ये था मेरा डिनर। तो गाइज, मैंने डिनर कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ अपने दांत ब्रश कर लेती हूँ। तो मैं रोज रात को दांत ब्रश करती हूँ, मुझे सही लगता है, फ्रेश फील होता है और फिर सोने जाती हूँ। तो चलो जल्दी से दांत ब्रश कर लेती हूँ मैं। तो गाइज, अब वक्त है सोने का, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, अपना सारा रूटीन मैं पूरा कर चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ, स्किन केयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ, सब कुछ हो गया, अब बहुत फ्रेश फील हो रहा है और अब सोने का मन कर रहा है, नींद आ रही है। क्योंकि कल मेरी है मॉर्निंग शिफ्ट, तो मुझे जल्दी सोना चाहिए। और अभी मेरी घड़ी में बज रहा है लगभग 10:30 और मुझे उठना है 5 बजे, और 6 बजे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है। तो आपको पता है, जैसे कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मेरे लिए रेगुलर ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके, जितना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग बना के अपलोड कर सकूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ ऐसे ही और आपके लिए और कंटेंट ला सकूँ। एंड या तो फिर मैं अब सोने चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।